हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस फिलहाल आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ऑलमोस्ट दिन में, बिकॉज मैं गया था गाइस सुबह सुबह अपना एग्जाम देने के लिए। तो एग्जाम देने गया था, प्रैक्टिकल था मेरा साइकोलॉजी का। सो गाइस सुबह गया था, आते आते दिन हो गई, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग गए। सो अब होते हैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग। अरे गजब 8 समोसे। So guys, शाम को होगी समोसा पार्टी, तो समोसे लाया हूं बहुत सारे, भर भर के तो सब खाएंगे गाइस। ये रहे समोसे, आए हाय दो समोसे मेरे हैं, जो कि ये हो गए मेरे समोसे। और ये दो किसके हैं? ये दो ओम के हो गए, एक आपका। ये दो हैं भाई। हाँ। यहाँ तो बहुत सारे हैं, इतने सारे क्यों हैं? ये तो बहुत सारे हैं भाई, तो भर भर के खाओ ना। एक पापा का भी है। सारे क्यों हैं? पापा के लिए रखो, एक पापा के लिए रखो, एक और एक आपका। यहाँ आप एक ही खाओ, मोटे हो जाओगे, वरना आप डाइटिंग करो। ठीक है, कर लेंगे, कल को कर लेंगे, आज खा लेते हैं। हाँ। ये दो हो गए मेरे, ठीक है, ये दो मेरे। गाइस हमारे घर में यही है कुंभकर्ण भाई साहब। ओए उठ, समोसा समोसा आ गए, समोसे दो दो समोसे खा, दबा के खा। ओम भाई टेस्टी है, बढ़िया, मजा आ गए। तो गाइस अभी फिलहाल घर में खतरनाक रिएक्शंस होने वाले, बिकॉज बहुत टाइम पहले ओम ने स्कूल में एक गाना गाया था, बहुत टाइम पहले मतलब कुछ महीनों पहले, 2-3 महीने पहले। तो गाइस वो जो गाना था, वो गाना ओम ने इसलिए गाया था बिकॉज ओम के स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन था और सिंगिंग कंपटीशन में ओम ने पार्टिसिपेट किया था। इसने तो घर में बताया नहीं हमें कि मैंने सिंगिंग भी करी करके। फिर बेटा सिंगर की औलाद है तो सिंगर तो बनेगा ही, क्यों? मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है ये, बेकार बेदाम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, और दूसरा कहता है ये बेकार बेदाम की चीज है, तो क्या कहता बता? तो तब बताऊंगा, पहले मोहब्बत मिलने तो दो, फिर पता चलेगा ना बेकार है सही है। बेटा मोहब्बत बड़े काम की चीज है मेरे दोस्त, मोहब्बत करो जिंदगी में, मोहब्बत हर किसी इंसान के दिल में अपनी जगह बनाओ, यह है मोहब्बत। ये नहीं कि सिर्फ मोहब्बत का मतलब आजकल लोग गलत तरीके से भी लेते हैं ना, वो नहीं, मोहब्बत इज मोहब्बत। तो गाइस फिलहाल ओम के स्कूल में जो कंपटीशन हुआ था भाई, वो क्या कंपटीशन था? और इसलिए बेसिक लिख के ले, मैं अभी तक गाना नहीं देख रहा गाइस, मैं कसम खा रहा हूं मैंने अभी तक नहीं देखा। वो गाना जो होगा प्यार मोहब्बत पे ही होगा, देख लिख के ले ले। पता नहीं अबे वो तो नॉर्मल गाना है, लेकिन अगर नहीं होगा प्यार मोहब्बत में ना, जो कहेगा वो कर दूंगा। चलो आज देखते हैं। अरे वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, मेरे को गाना मिला था, जो भी है तेरे को गाना मिला था या तेरे को कोई भी हुआ था, लेकिन गाना प्यार मोहब्बत का अगर नहीं हुआ, गाना वो मिला था मेरी आवाज वाला गाना दिया था भाई। ये बता कोई कोई रैंक आई, कोई रैंक आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्टिफिकेट मिले थे सबको? मतलब फेल हो गया तू? मतलब फेल हो गया, वाला सर्टिफिकेट मिले थे भाई वो, और मेरे को इसने गाना भी गा दिया, इसको सर्टिफिकेट भी मिल गया, हमको सारी हवा भी नहीं लगी हमने। हाँ मेरे पास वीडियो है इसकी, मेरे को उसमें जबरदस्ती गाना लगा भाई, मेरे को गाना गाना नहीं आता। मतलब लेकिन सुन मेरी बात सुन, जब तू बेकार के काम करता है तब तक तो तब तो हमको पता चल जाता है, और जब तू अच्छे काम करता है तो हमको पता क्यों नहीं चलता? अरे मेरे को जबरदस्ती घुसा दिया यार, उसमें मैं गाना थोड़ी गाता था, ऊपर से भयंकर पूरा वो बज रहा है पीछे, पूरा म्यूजिक उसमें गाना गाया मैंने। लगा तुम बताओ, तुम बताओ। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, दूसरा कहता है ये बेकार बेदाम की चीज है। अब आप बताओ बेकार है या बादाम है, क्या है सही है? देख मोहब्बत बहुत तरीके की होती है, पति पत्नी की होती है, लड़के लड़की की होती है, माँ बाप की होती है। अब किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? बात तो ये है ना। ओ मारे भाई आ जा, चैटिंग कर ले गर्लफ्रेंड से बाद में, आ जा। तूने कैसे गाना गाया? अबे गर्लफ्रेंड के लिए गाया होगा सिंगर। ये क्या बोल रहे हो यार, मेरे को जबरदस्ती गाना दे दिया, जबरदस्ती मेरे को उसमें डाल भी दिया, और गाना गाना थोड़ी आता है कोई, इतना बेकार गाना गाया ना भाई। तूने कंपटीशन में पार्ट लिया, तूने म्यूजिक में गाना गाया है, ये गाना ओम ने तब गाया जब ओम क्लास 10th में था, कंपटीशन हुआ था, और इसने साल नहीं हो रहे उसे 10th पास करके, अभी 15 ही दिन हो रहे उसे 10th पास करके, और ये गाना इसने पूरे म्यूजिक में गाया, पूरे म्यूजिक में, ड्रम में, हार्मोनियम में, पीछे सब बज रहा है, सब बज रहा है। तेरे पास वीडियो कब आए? मेरे पास वीडियो पहले आ गया था, बट मैंने देखी नहीं, दिया था आपको खुद, मैंने वो देखी नहीं थी ना भाई, मैंने देखी परसों, मैंने कहा अरे ये इसने गाना गाया, मैंने खुद ही दी थी, और ना आपने देखा ना मम्मी ने देखा गाना उसका, सुना भी नहीं, मैंने बहुत पहले दी थी। पापा गाना क्या होगा, प्यार मोहब्बत का पंजाबी डांस वाला क्या होगा ये? प्यार मोहब्बत का गाना होगा। मम्मा आप
पंजाबी ओम भाई को बताया, मुझे बताया खाना क्या है। सो लेट्स गो भाई। मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा ना तेरे बिना लगदा जी। मेरे दिल ने चुन लिया दे तेरे दिल दिया रा, तू जो मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है हुण है तेरा की मैं करा, तू कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेनू समझावा ना तेरे बिना लगदा जी, ए चंगा नहीं ओ कीता बीबा, चंगा नहीं ओ कीता बीबा, दिल मेरा तोड़ दे वे बड़ा पछताया था, वे बड़ा पछताया था नाल तेरे तोड़ के। वे बड़ा पछताया था, वे बड़ा पछताया था नाल तेरे तोड़ के। मेरे को ना नॉलेज गाने की ना मेरे को कुछ पता है, अरे ऐसी गा दियो नॉन सिंगर। आज तूने मेरा सर जो है ना गर्व से ऊंचा कर दिया। कैसा लगा? तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया इस बच्चे ने, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं कभी स्टेज में गाऊंगा। मेरा सपना बिना कोई ट्रेनिंग के ही आ गया। मेरा सपना माइक पकड़ के तूने जो पूरा किया ना, मैं आज धन्य हो गया। इस साल भी हो गए कॉम्पिटिशन तो मजा आया। मजा आ गया, ये हर साल होता है कॉम्पिटिशन। प्रयास किया और माइक पकड़ के पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ इसने मंच में गाना गाया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। गाना प्यार का था, देखा आपने गाना प्यार का गाना गाया। समझावा सारा बुड्ढा हो गया, हमारी बात ना समझावा वहाँ समझावा। कैसा लगा आपको? बढ़िया मजा आ गया ना। बस गाइस अभी करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग देख के मजा आपके चेहरे पे स्माइल आई, आपने एंजॉय करा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं कल सुबह, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह तैयार है, टिल देन बाय। वे बड़ा पछताया था, वे बड़ा पछताया था न
नाल तेरे